आइडियल करंट रेशियो इज 2:1 फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इट इज 1:1 1:2 हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज मैं कंडक्ट करने वाला हूं वाइवा। तो आज हम कंडक्ट करेंगे वाइवा फॉर अकाउंट्स। ठीक, तो बड़े कमेंट्स आए आपके नए सेशन के लिए, नया वाइवा आप जो है रिकॉर्ड करो सर, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के वाइवा की। गुड आफ्टरनून सर। ओके आंचल माहेश्वरी। नो सर, आंचल पाटीदार। आंचल पाटीदार, अच्छा ठीक है। ओके वेल यू मेंशन हियर VSNL, व्हाट डज इट मीन? मतलब फुल फॉर्म ऑफ VSNL? सर इट इज अ टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी, फुल फॉर्म पता है? नो सर। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपने लिखा हुआ है। यस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट क्यों? बिकॉज वी पे फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसा अकाउंटिंग का कोई? एंड इट इज एसेट। एडवर्टाइजमेंट एसेट से? यस सर। के एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। तो दोनों में से एक क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं? यस सर। अच्छा एक चीज है, एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं और एसेट भी डेबिट होती है। यस सर। राइट, तो ऐसा कोई कनेक्शन है दोनों के बीच में, मतलब ऐसा क्यों? असेट्स भी डेबिट होती है और एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं, तो कोई लॉजिक इसके पीछे, कोई लॉजिक हो? सर बिकॉज वी हैव टू पे फॉर बोथ, फॉर असेट आल्सो एंड फॉर एक्सपेंसेस आल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने एक पेन खरीदना, एक्सपेंसेस है। आपने एक मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, तो वो असेट्स हो गई। दोनों में जाते पैसे रहा। यस सर। तो सुजन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? सर आई एम गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन ऑफ IPM, आई एम इंदौर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एंड आई अप्लाइड इट रिसेंटली ऑन 23 मार्च। आई फिल्ड इट फॉर्म ऑफ दैट, एंड एग्जाम इज ऑन June 14, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सक्सेस इन इट एंड गेट एडमिशन इन IIM इंदौर। ओके, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सर। वेल अकाउंटिंग रेशियोस, यस। ओके, एनी थ्री रेशियो? करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड इन्वेंट्री ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड क्विक असेट मीन्स क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। Then net gross profit ratio is gross profit upon revenue from operations into 100. Okay. What is ideal current ratio? Ideal current ratio is 2:1. 2:1. For every 1 rupees of current liability, there is 2 rupee of current assets. Okay. And ideal quick ratio? It is 1:1. 1:2? Yes, sir. 1:2. Okay. What is proprietary ratio? Proprietary ratio is ownership ratio of owners of a company. How do you calculate formula? Formula of it is total assets of assets of owner upon Well, specific project cash flow statement. Yes, sir. Okay, cash flow statement. How many activities are there? There are 3 types of activity: investing activity, operating activity, and financing activity. Okay. What are the items comes in liability side of a balance sheet, of a company's balance sheet? Borrowings or capital, equity, share. Companies. What come first? What's come first? Equity and liabilities, share capital and reserves. No, no, I am asking about what are the items come in liability side. First item is what? In company is the balance sheet. It is share capital. Beta, aap answer maan do. Isko book nahi ko dekh rahe. Nahi nahi, aap seedhe baithe rahe. Well, or asset side mein kya kya cheez aayegi?
assets includes all assets of company. What come first? Fixed asset, tangible, intangible assets in it. Okay. How do we calculate capital employed? There are two approaches. Basically, first is liability side approach, and another one is asset side approach. Capital employed is generally the amount company capital amount company used in its working. थोड़ा loudly बोलना है. Yes sir. क्या चीज आएगी बंदा उसमें हम calculate करें कैसे calculate करेंगे? Formula याद नहीं आपको? Yes sir. Okay. No issue. Well, what is difference between comparative statement and common size statement? The main difference is vertical analysis and horizontal analysis. In common size balance sheet, we compare it with our past performance. In comparative balance sheet, we compare it with In comparative, we compare with the previous year, right? Yes, sorry. And in common size? In common size, we compare with it with similar firms in market. Or we can say that वापस से पढ़ना इसको क्या चीज है ठीक है कैश फ्लो स्टेटमेंट यस चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आएगी कंटेंट क्या क्या है इसका बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल इशू ऑफ शेयर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इन्वेस्टिंग purchase of machinery, purchase of land. अच्छा और यदि हम किसी और कंपनी के शेयर खरीदें तो शेयर हम खरीद तो इन्वेस्टिंग अच्छा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है व्हाट सर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अच्छा व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड पार्टनरशिप में कौन कौन सी है चलो कोई बात नहीं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट डिफरेंस क्या है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है कंपेरेटिव में कंपेयर करते हैं और उसमें क्या करते हैं कंपेरेटिव मींस एक ही का होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट दोनों आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपको पता है कि नहीं बहुत सबसे इजी क्वेश्चन होता है इसका अच्छे से कर लेना ठीक है खैर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या क्या चीज आएगी उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या चीज इंक्लूड होगी कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल असेट माइनस चलो ठीक है फिर मिलते रहेंगे तब तक ले लीजिए यस।